Hello and welcome to the YouTube channel of Zia Judicials, an institute located in Lakshmi Nagar, New Delhi. आज मैं शीर्षा सक्सेना आपके साथ आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके, जो कि है चैप्टर 35 ऑफ सीआरपीसी इररेगुलर प्रोसीडिंग. इररेगुलर प्रोसीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से. इररेगुलर प्रोसीडिंग से सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और तो और अंदर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं. मैं आपको पढ़ाती भी जाऊंगी और साथ साथ बताती भी जाऊंगी कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से बनते हैं. तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके भी जुडिशरी में नंबर सिक्योर हो जाएं, खासकर इस चैप्टर से. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. ये आता है हमारा सबसे पहले सेक्शन 460. ये ध्यान रखिएगा जुडिशरी के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जुडिशरी में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऐसा पूछा जा चुका है कि इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग कौन से सेक्शन में. तो याद रखिएगा डू नॉट वाली 460 में है, पहले नॉट वाली चीज़ है, और फिर 461 जब मैं बताऊंगी प्रोसीडिंग्स विच विशिएट द प्रोसीडिंग. सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा विच डू नॉट 460 में, और प्रोसीडिंग जो विशिएट कर देती है प्रोसीडिंग को वो है 461 में. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, अब इसमें 460 में ना मैं आपको बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बताऊंगी जिससे प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाती हैं. इन सबको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो आपको तीन दे देंगे जिससे प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाती हैं, और एक ऐसी पर कंडीशन देगी जिससे प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती. और वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे कि इनमें से चूज़ करिए, इनमें से कौन से में से प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती, तो आपको सही वाला चूज़ करना पड़ेगा. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब ध्यान से देखें कि किन किन केसेस में प्रोसीडिंग विशिएट नहीं हो सकती, ताकि जब एमसीक्यू में आपके पास क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल सही ऑप्शन टिक करके आएँ, और जब आप मेंस भी लिख रहे हो तब भी आप सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखें. ठीक है, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आप सबसे पहले मैं 460 में देखते हैं कौन कौन सी ऐसी वो होती हैं जिनमें प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती. अब देखिए, अगर जो है मैजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड नहीं था By law to do any of the following things, namely, magistrate इन सब चीज़ों के लिए empowered नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, वो search warrant issue कर दे रहा है. वो अगर search warrant issue कर भी दे रहा है under section 94, तो proceeding initiate नहीं होगी. याद रखिएगा, search warrant section 94 में issue कर रहा है, proceeding initiate नहीं होगी. ठीक है, दूसरा section 155 में वो पुलिस को बोल दे रहा है कि ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर लो. 155 में नॉन कॉग्निजिबल केसेस के रिगार्डिंग आते हैं, और अगर उसमें अगर कोर्ट ने बोल भी दिया पुलिस वाले को कि इन्वेस्टिगेशन कर लो, तो उसे प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होंगी. ठीक है, अगर उसने सेक्शन 176 में बोल दिया कि इंक्वेस्ट कर लो, तब भी प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होंगी. आपको जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वो मैं उसी टाइम बता लूँगी. ये तो ज़रूरी ध्यान रखिएगा, एक ये सर्च वारंट वाला ज़रूर याद रखिएगा. 155 पुलिस इन्वेस्टिगेट. फिर अगर जो है पुलिस बोल देती है सेक्शन 187 में एप्रीहेंशन करने का किसी पर्सन का, तब भी आपकी प्रोसीडिंग्स विशिएट नहीं होती हैं. और ये ई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि इस केस में प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती कब, अगर वो जो है कॉग्निजेंस ले रहा है, अगर वो कॉग्निजेंस ले रहा है अगर अंडर क्लॉस ए और क्लॉस बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी. ध्यान रखिएगा, अगर 191 के ई और बी में ले रहा है तो विशिएट नहीं होगी प्रोसीडिंग, पर अगर वो क्लॉज सी में ले रहा है, यानी कि सुओ मोटो ले रहा है, तो प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती है. ये प्री में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा. ठीक है, फिर एफ में क्या है, एफ में अगर वो मेक ओवर कर दे रहा है केस किसी और को, तब भी प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होंगी. फिर अगर वो किसी भी को भी पार्डन दे दे रहा है सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी में, अगर वो पार्डन टेंडर कर दे रहा है, याद रखिएगा अगर वो पार्डन टेंडर कर दे रहा है तो भी प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती है. ठीक है, या फिर रिकॉल कर दे रहा है किसी केस को, खुद से ट्राई कर ले रहा है 410 में, तब भी नहीं होगी. या फिर किसी की प्रॉपर्टी भी अगर वो सेल कर दे रहे हैं ना 458 या 459 में, तो भी विशिएट नहीं होगी. पर कब, अगर उसने वो गलती से किया है इन गुड फेथ, ध्यान रखिएगा उसने ये एरोनियसली किया इन गुड फेथ, तो उस केस में प्रोसीडिंग्स विशिएट नहीं होती हैं. डस दैट थिंग हिज प्रोसीडिंग शैल नॉट बी सेट असाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज नॉट बीइंग एम्पावर्ड.
ये सब कंडीशंस अच्छे से याद रखिएगा, स्पेशली सर्च वारंट वाली 190 के वन के ए और बी में करा है तो विशिएट नहीं होगी, पर हाँ क्लॉस अगर सी में करा है तो होगी, ठीक है, और पार्डन कर दे रहा है तो भी विशिएट नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा इन सब पॉइंट्स का। दूसरा, वो इरेगुलरिटी जिससे प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती है, याद रखिएगा कौन से सेक्शन में, 461, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि इरेगुलरिटीज विच विशिएट द प्रोसीडिंग, ये कहाँ दिया गया, तो ये दे रखा है आपका सेक्शन 461 ऑफ सीआरपीसी में, ठीक है। अब इस केस में वॉइड हो जाती है, ठीक है, इन सब कंडीशंस को याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन अब कैसे फ्रेम होंगे, इनसे क्वेश्चन प्री में ऐसे फ्रेम होंगे कि आपको तीन कंडीशन दे दी जिससे प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती और एक कंडीशन दे दी जिससे प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि इनमें से किस केस में प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती है, तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि किस किस में विशिएट हो जाती है ताकि आप सही एमसीक्यू पे सही पे आंसर पे टिक लगा के आएँ, और आपके मेन से भी क्वेश्चन आए तो आप सारी कंडीशन अच्छे से लिख के आएँ ताकि आपको पूरे बढ़िया नंबर मिले, ठीक है। अब देखो कब कब प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती है आपकी, अगर उसने किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर दी और सेल कर दी ना, सेक्शन 83 में किसी की प्रॉपर्टी अटैच और सेल कर दी, प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी, वॉइड, ठीक है। या फिर इशू कर दिया सर्च वारंट जो कि किसकी कस्टडी में था, पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में, ये पॉइंट खास तौर से ध्यान रखिएगा, ये प्री में पूछा जा चुका है, पूछा जाता है, इसमें ये पॉइंट डाल देंगे और ये पूछेंगे, तो याद रखिएगा अगर वो सर्च वारंट इशू करा है जो कि पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास की कस्टडी में, तो इस केस में प्रोसीडिंग विशिएट होती है, ठीक है। फिर अब वो सिक्योरिटी ले रहा है या तो पीस के लिए या फिर बिहेवियर के लिए, गुड बिहेवियर के लिए, तो इस केस में भी आपकी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। या फिर किसी पर्सन को डिस्चार्ज कर दे रहा है जो कि लॉफुली बाउंड था गुड बिहेवियर रखने के लिए, किसी का बॉन्ड कैंसिल कर दे रहा है पीस का, या फिर मेक कर दे रहा ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ध्यान रखिएगा खासतौर से, अगर वो कोई ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कर रहा है तो डैट विल विशिएट द प्रोसीडिंग, ठीक है। या फिर कोई ऑर्डर कर अंडर सेक्शन 133 एज टू लोकल न्यूसेंस, लोकल न्यूसेंस के लिए भी कर रहा है तो भी विशिएट हो जाएंगी। या फिर किसी पर्सन को प्रोहिबिट कर रहा है सेक्शन 143 में फॉर रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, या फिर कोई ऑर्डर दे रहा है अंडर पार्ट सी और पार्ट डी ऑफ चैप्टर 10, इन सब केसेस में प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन आता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए, कॉग्निजेंस ले रहा है ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190, सेक्शन 190 के 1 के सी में ले रहा है, यानी कि सुओ मोटो को केस ले रहा है वो, तो प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती है। वहीं अगर वो 191 के ए और बी में ले रहा था तो विशिएट नहीं होती है। एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए अक्सर पूछा जाता है, तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। या फिर ट्राई कर ले रहा किसी ऑफेंडर को समरी ली, ये भी बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, आपके पास तीन चीज़ें दे दी जाएंगी जो विशिएट नहीं करती, और एक ये पॉइंट दे दिया जाएगा ट्राइस एन ऑफेंडर समरी ली, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से केस में प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएंगी, तो आपको इस पर टिक लगा के आना है अगर वो ट्राई कर दे रहा है ऑफेंडर को समरी ली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है थ्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब या तो वो जो कोई सेंटेंस पास कर दे रहा है 325 में ऑन प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड बाय अनदर मजिस्ट्रेट, विशिएट हो जाएंगी, कोई अपील डिसाइड कर दे रहा है, या फिर कॉल कर रहा है सेक्शन 397 में फॉर प्रोसीडिंग, या फिर रिवाइज कर दे रहा है कोई ऑर्डर जो कि पास है 446 में, इन सभी केसेस में क्या होगा, हिज प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब 460 में प्रोसीडिंग विच डू नॉट विशिएट, 461 में विच विशिएट। अब अगर गलत प्लेस में प्रोसीडिंग हो रही तो क्या, अगर गलत प्लेस में प्रोसीडिंग हो भी गई तो भी वो विशिएट नहीं करेगी प्रोसीडिंग को अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, तो अगर प्रोसीडिंग रॉन्ग प्लेस भी हो रही है तो भी उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा इनकेस इट डस नॉट रिजल्ट इन फेलियर ऑफ जस्टिस, ध्यान रखिएगा। नॉन कम्प्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 और सेक्शन 28। अब सेक्शन 164 में मजिस्ट्रेट जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, ठीक है, तो अगर जो है इनका कंप्लायंस नहीं हुआ, पर हाँ कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि इस चीज़ ने अक्यूज के डिफेंस को इंजर नहीं किया ऑन मेरिट्स, नॉट इंजर्ड द अक्यूज इन हिज डिफेंस ऑन द मेरिट्स, ठीक है, ये ही ड्यूली मेड द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, उसने जो है ड्यूली जो है स्टेटमेंट
दिए हैं, तो इस केस में कोर्ट उन स्टेटमेंट्स को एडमिट कर लेगी, ठीक है। और ये प्रोविजंस जो हैं ये आपके अपील, रेफरेंस और रिवीजन पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में किसकी बात है, सेक्शन 464 बता रखा है, जिसमें बोल रखा है इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ एन एरर इन चार्ज। अगर मान लो चार्ज फ्रेम नहीं किया या गलत चार्ज फ्रेम कर दिया तो क्या होगा, तब भी वो इनवैलिड नहीं होगा। अ फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर विल नॉट बी डीम्ड इनवैलिड, वो इनवैलिड नहीं होगा जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुई हो। फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इनवैलिड नहीं होगा। पर अगर कोर्ट को लगता है कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुई है तब क्या, तब ये अगर मान लो कि चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ था तो वो बोलेगा कि चार्ज फ्रेम कर लो और रिकमेंड करेगा कि प्रोसीडिंग करो। और अगर चार्ज गलत तरीके से फ्रेम हुआ था तो वो ये बोलेगा कि सही चार्ज को फ्रेम करो और फिर जो है प्रोसीडिंग को चार्ज चालू करो। देखो, इन केस ऑफ एन ओमिशन टू फ्रेम अ चार्ज, चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ, ठीक है, ऑर्डर दैट अ चार्ज भी फ्रेम, ऑर्डर करेगा कि चार्ज को फ्रेम कर लो, एंड दैट द ट्रायल बी रिकमेंडेड फ्रॉम द पॉइंट इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज फ्रेम होने के बाद से स्टार्ट करो। फिर इन केस ऑफ एन एरर, ओमिशन और इररेगुलरिटी इन द चार्ज, अगर कोई एरर है, ओमिशन है, कोई इररेगुलरिटी है चार्ज में, तो डायरेक्ट कर देगा न्यू ट्रायल टू बी हैड अपॉन द चार्ज फ्रेम्ड इन वॉट एवर मैनर इट थिंग्स फिट। अगर कोई एरर थी, ओमिशन थी या फिर कोई इररेगुलरिटी थी चार्ज में, तो वो एक नए ट्रायल के लिए बोलेगा उस चार्ज पे, ठीक है। अब एक और चीज़ आ जाती है, एक और चीज़ क्या आ जाती है, अगर जो है कोर्ट को लगता है दैट नो वैलिड चार्ज शुड बी प्रिफर्ड, कोई वैलिड चार्ज प्रिफर ही नहीं हो सकता था, तब क्या करेगा, तब जो है वो इचल क्वेश द कन्विक्शन, उस कन्विक्शन को क्वेश कर दिया जाएगा। फिर फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और इररेगुलरिटी, 465, सेक्शन 465 सीधा सीधा ये बोलता है कि अगर कोई इररेगुलरिटी हो गई है आपके कंप्लेन, समन, वारंट या प्रोक्लेमेशन में, तो उससे जो है आपकी जो है जो फाइंडिंग है या जो आपका सेंटेंस है या ऑर्डर है वो रिवर्स या ऑल्टर नहीं होगा अगर कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुई है। तो अगर कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुई है तो इससे जो है कोई भी सेंटेंस या ऑर्डर रिवर्स या ऑल्टर नहीं होगा। ये डिटरमाइन करने में कि जो है कोई एरर, ओमिशन या इररेगुलरिटी हुई है प्रोसीडिंग में, कोर्ट इस बात को भी देखेगी कि क्या उसका ऑब्जेक्शन कुड हैव एंड शुड हैव बीन रेज्ड एट एन अर्लियर स्टेज, क्या उसको अर्लियर स्टेज पे लिया जा सकता था, इस बात को भी कोर्ट ध्यान में रखेगी। फिर आते हैं हम अपने लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर पे, जो कि है सेक्शन 465 ऑफ सीआरपीसी, जो कि ये कहता है कि कोई भी अटैचमेंट जो कि इस कोर्ट में हुई है वो अनलॉफुल नहीं होगी सिर्फ इस वजह से कि कोई डिफेक्ट था या फिर वॉन्ट ऑफ फॉर्म था इन द समन, कन्विक्शन, रेट ऑफ अटैचमेंट और अदर प्रोसीडिंग इन रिलेशन देयर। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक इररेगुलर प्रोसीडिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली इसके सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 460 और 461। इनको ध्यान से पढ़िएगा, आई होप अब आप सही टिक करके आएंगे, एमसीक्यू आपके सही होंगे, मीन्स आपके अच्छे आंसर होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।